नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा तिवारी हूँ। मैं ओएसिस फर्टिलिटी रायपुर सेंटर में फर्टिलिटी विशेषज्ञ हूँ। आइए आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके लिए आपके फर्टिलिटी विशेषज्ञ आपको IVF की सलाह देते हैं। सो नंबर वन, ट्यूबल फैक्टर्स, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स जो फीमेल्स में यूट्रस की दोनों तरफ होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म और एग के मिलने के लिए और साथ ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। अगर इन ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए या ब्लॉकेज डेवलप हो जाए, तो ऐसे केसेस में IVF की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेल फैक्टर, यानी कि आपके हस्बैंड के सीमेन में अगर शुक्राणुओं की संख्या काफ़ी कम है या फिर उनमें गतिशीलता नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर IVF की सलाह दे सकते हैं। कुछ अन्य कारणों में एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन या फिर अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी, जिसमें सारे टेस्ट नॉर्मल पाए जाते हैं और ऐसी कोई भी रीज़न नहीं मिलने पर हमें IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ कैंसर पेशेंट्स में और या फिर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए भी IVF की पद्धति की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चे में वो प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे केसेस में भी IVF के साथ PGT टेक्निक द्वारा जेनेटिक डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ अन्य कारणों में अगर आप पहले से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपके टैबलेट्स वाले या IUI ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, तो ऐसे केसेस में भी IVF की सलाह दी जा सकती है। फीमेल में अगर एग का रिजर्व कम हो, तो ऐसे केसेस में आप नॉर्मली कंसीव तो कर सकते हैं, पर काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी जब कंसेप्शन ना हो, तो टाइम इज़ एन एसेंशियल फैक्टर हियर। तो फिर आपको जल्दी से जल्दी कंसीव कराने के लिए कभी कभी डॉक्टर आपको IVF की सलाह दे सकते हैं। फिर ऐसे कुछ केसेस जहां आपको डोनर एग या डोनर स्पर्म या फिर सरोगेसी की ज़रूरत है, ऐसे केसेस में आपको IVF की सलाह दी जा सकती है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प हो। थैंक यू।